दोस्तों क्रिकेट बड़ा ही अजीबोगरीब खेल है। इसमें कोई खिलाड़ी इतने दिनों तक खेलता है कि रिकॉर्ड बना देता है। इंग्लैंड के जिमी एंडरसन जो कि एक तेज गेंदबाज हैं, लेकिन वो अभी तक खेल रहे हैं। भारत के सचिन तेंदुलकर का करियर कितना लंबा रहा, ऐसे ही न जाने कितने ही खिलाड़ी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो सिर्फ एक ही मैच खेले और इसके बाद गुम हो गए। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो सिर्फ एक वनडे मैच खेल सके। इस एक वनडे मैच के बाद उनको दूसरा खेलने का मौका ही नहीं मिला। आइए आपको बताते हैं उन 10 खिलाड़ियों के बारे में। नंबर 1, फैज फजल। 2015-16 में देवधर ट्रॉफी में फैज फजल ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए इंडिया बी के खिलाफ फाइनल मैच में 112 गेंदों में 100 रन बनाए थे। फिर ईरानी कप में उन्होंने मुंबई के खिलाफ 127 रन बनाकर 480 रनों का सफल पीछा किया। 2018-19 दलीप ट्रॉफी में उनको इंडिया ब्लू टीम का कप्तान भी बनाया गया। फैज फजल ने अपना पहला वनडे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था और इस मैच में उन्होंने 90.16 की स्ट्राइक रेट से 61 गेंदों में 55 रन बनाए। लेकिन यही मैच उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी वनडे मैच भी रहा। इसके बाद वो एक भी वनडे मैच में नहीं दिखाई दिए। नंबर 2, परवेज रसूल। जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर परवेज रसूल ने अपना पहला एक दिवसीय मुकाबला 15 जून 2015 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इस मैच में उनको बल्लेबाजी करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 30 की औसत से 2 विकेट चटकाए थे। लेकिन रसूल को इस मैच के बाद एक भी वनडे खेलने का मौका नहीं मिला। नंबर 3, पंकज सिंह। रणजी ट्रॉफी में 400 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज पंकज सिंह भी उन खिलाड़ियों में से हैं जिनका वनडे करियर सिर्फ एक मैच का ही रहा। वर्ष 2010 में इस खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला वनडे खेला और 7 ओवर में 45 रन दिए। इस दौरान उनको एक भी सफलता नहीं मिली। पंकज का यह पहला और आखिरी वनडे मैच साबित हुआ। इसके बाद उनको दूसरा वनडे नसीब नहीं हो पाया। अभिजीत कले। महाराष्ट्र के अभिजीत कले दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हैं। इन्होंने अपना पहला वनडे मैच जो कि आखिरी भी था 16 अप्रैल 2003 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इस मैच में उनको गेंदबाजी करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी में इन्होंने 22 गेंदों में 10 रन बनाए। नंबर 5, डोडा गणेश। बेंगलोर में जन्मे डोडा गणेश एक ऑलराउंडर थे। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले गणेश ने 15 फरवरी 1997 को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला और अंतिम वनडे मैच खेला। इस मुकाबले में उन्होंने 20 की औसत से 1 विकेट चटकाया था और 8 गेंदों में 4 रन बनाए थे। नंबर 6, पंकज धरवानी। ऑलराउंडर पंकज धरवानी का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। शानदार घरेलू करियर वाले पंकज ने 23 अक्टूबर 1996 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला और आखिरी वनडे मैच खेला। मैच में उनको गेंदबाजी तो नहीं मिली, बल्ले से उन्होंने 8 गेंदों में 8 रन बनाए। एक से दूसरा वनडे खेलने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। नंबर 7, गुरशरण सिंह। पंजाब के गुरशरण सिंह ने अपना इंटरनेशनल वनडे डेब्यू 8 मार्च 1990 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया था, जिसमें वो 10 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना पाए थे। यह मैच ही उनका पहला और आखिरी वनडे मैच रहा। इसके बाद उनको दूसरा वनडे खेलने का कभी मौका नहीं मिला। नंबर 8, मरगाश्याम वेंकटरामन। तमिलनाडु के स्पिन गेंदबाज मरगाश्याम वेंकटरामन का घरेलू करियर बेहद प्रभावी रहा था, लेकिन वो भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से रहे जिन्हें एक से दूसरा वनडे खेलने का मौका नहीं मिला। वेंकटरामन ने अपना एकमात्र वनडे मैच 17 दिसंबर 1988 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उसमें 18 की औसत से 2 विकेट झटके थे। नंबर 9, सुधाकर राव। बल्लेबाज सुधाकर राव ने 22 फरवरी 1976 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और यही उनका आखिरी वनडे मैच भी साबित हुआ। इस मुकाबले में उन्होंने 14 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए थे। नंबर 10, बीएस चंद्रशेखर। पद्मश्री से सम्मानित लेग स्पिनर बीएस चंद्रशेखर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था और 2002 में उन्होंने विजडन का पुरस्कार भारत के लिए जीता भी। उन्होंने भारत के लिए 58 टेस्ट खेले, लेकिन वनडे करियर की बात करें तो चंद्रशेखर ने 1976 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपना पहला वनडे मुकाबला खेला। इस मैच में उन्होंने 12 की औसत से 36 रन देकर 3 विकेट झटके थे। लेकिन चंद्रशेखर का वनडे करियर भी एक ही मैच का रहा। इसके बाद एक भी वनडे खेलने का उनको अवसर नहीं मिला। तो ये थे भारत के 10 क्रिकेटर जिनका वनडे करियर सिर्फ एक मैच का ही रहा। आपके अनुसार इनमें से कौन एक से ज्यादा वनडे खेलने के हकदार थे, कमेंट करके हमें बताएं। क्रिकेट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों और दिलचस्प रिकॉर्ड्स के लिए देखते रहिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।